हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। ये वीडियो है पार्ट टू मार्वल रूनस कॉमिक्स का। इसके पिछले वीडियो में हमने पार्ट वन डिस्कस किया था, जिसमें हम ये देखते हैं फिल डेली बुगल के अंदर काम करता और एक स्टोरी कवर करने निकला, जिसमें वो देखता है कि उसके यूनिवर्स के सारे सुपर हीरो मरते जा रहे हैं। अब वो परेशान है कि वो अपने यूनिवर्स में कैसे उम्मीद की किरण जगाए। इट्स में गिगनिक। और अब आगे फिल अब अपनी तलाश में आगे निकल जाता है और फ्लाइट में उसको मिलती है मिस्टिक, जिसको पर्सनालिटी डिसऑर्डर हो चुका रहता है अपनी स्पेशल एबिलिटी शेप शिफ्टिंग की पावर के कारण। वो फिल के सामने ही एक सेकंड में कई शेप शिफ्ट कर लेती है, जिसके कारण उसका शरीर बस्ट हो जाता है और वहाँ पे फिल दहल जाता है। लेकिन सबसे ज्यादा भयंकर तो तब हुआ जब मैग्नेटो एयरपोर्ट में अपनी पावर को कंट्रोल नहीं कर पाया और तबाही मचाना चालू कर दिया। उसे उस समय मार गिराया गया, क्योंकि इस यूनिवर्स में मैग्नेटो अपनी पावर को कभी कंट्रोल कर पाया ही नहीं। अब इसके बाद फिल को आराम की जरूरत थी, वो आराम करने चले गया। फिर फिल कुछ समय रुक के किंगपिन से मिलने जाता है। किंगपिन उसको बेसमेंट लेके जाता है, जहां बहुत खतरनाक म्यूटेंट्स को रखा गया था। बेसमेंट में फिल को सबसे पहले दिखता है साइक्लोप्स, हाँ, और उसी की लेजर बीम ने उसकी आंखों को जलाकर उसको अंधा कर दिया था। उसके बाद नाइट क्रॉलर, जो जिंदा रहने के लिए खुद की पूंछ खा रहा था। किटी प्राइड की आंतें खत्म हो रही थी और क्विक सिल्वर के हाथ पांव काटकर उसको एक जगह रख दिया गया था। इनका हाल भी क्री वॉरियर जैसा ही हो गया था। अब फिल इन सबसे दूर जाके इनके दुख के बारे में लिखना शुरू किया। फिल का मन दुख के बोझ से दबा जा रहा था और वो सोच रहा था कि इनका दुख वो लिखे कैसे। फिल को तभी पता चला घोस्ट राइडर की कहानी के बारे में। एक आदमी जॉनी ब्लेज नाम का, जो सर में आग लगा के स्टंट करता, और वहाँ के लोगों ने बताया कि वो स्टंट करते हुए मारा गया और घंटों उसके सर में लगी आग जलती रही। और लिखते लिखते फिल की आंखें लग गई और सपने में वो देखता है कि आयरन मैन और कैप्टन अमेरिका सबको बचा रहे हैं। और इसके बाद उसकी आंखें खुल गई और उसके बाद फिल वापिस आ गया अपने असली यूनिवर्स में, जो मायूसी और दुख से भरा हुआ था। इसके बाद फिल वो बेन ग्रिम से मिलता है, जो फैंटास्टिक फोर का फोर्थ मेंबर रहता है, लेकिन द थिंग नहीं बन पाता। फिर वो ये भी बताता है रीड रिचर्ड की जिद ने कैसे सुजैन, जॉनी और सबको मरवा दिया। वो सब कॉस्मिक स्टॉर्म के शिकार हो गए। इसी कॉमिक्स में पीटर पार्कर भी, असल में उसको जब रेडियो एक्टिव मकड़ी ने काटा तो वो स्पाइडरमैन तो नहीं बना, पर उसको कोई बहुत भयंकर बीमारी हो गई, जिसके कारण पीटर पार्कर की मौत हो गई। फिल की स्टोरी कंप्लीट हो चुकी थी और अब वो न्यूयॉर्क आ गया था और उसने सोच लिया था कि वो अपनी स्टोरी को नाम देगा मार्वल। लेकिन इस यूनिवर्स में सब कुछ अच्छा तो हो नहीं सकता। फिल की तबीयत खराब होने लगी थी और उसकी दवाई भी खत्म हो गई थी। लेकिन फिल को हुआ क्या था, मैं बताता हूँ। डेली ब्यूगल में जब पीटर पार्कर जॉब करता था तो एक बार फिल ने उससे हाथ मिलाया था और उस समय पीटर इन्फेक्टेड था, तो इस तरह वही इन्फेक्शन फिल को भी हो गया था और इस तरह फिल इस कहानी को दुनिया के सामने लाने से पहले ही मारा गया। मार्वल रूनस कॉमिक्स में पूरा डार्क आर्ट यूज किया गया है, जो कॉमिक्स की थीम को सपोर्ट भी करता है। सो गाइज, मार्वल रूनस की कॉमिक्स यहाँ पे पूरी कंप्लीट होती है। वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक कर देना, कोई सजेशन या एडवाइस हो तो मुझको कमेंट करके जरूर बताना, अगर न्यू हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। मिलते हैं जल्दी सुपर वाला, सी यू सून।